खुदा बचाए इन तीनों से, खुदा बचाए इन तीनों से, डॉक्टर वकील और हसीनों से। नमस्कार, आदाब, वेलकम, केम छो, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका, वेलकम टू एपिसोड नंबर 6। पिछली बार हम लोगों ने कुछ किया था, क्या किया था चलो देखते हैं। लास्ट बार हम लोग अपना बेस वेस बना रहे थे और हम लोगों को फूड का कॉन्स्टेंट कमी था। हम मॉब्स को मारना नहीं चाह रहे थे क्योंकि खाना का जुगाड़ हो तो जाता है लेकिन टेम्पोरेली होता है, इसलिए हम बताए गायब है इसे वगैरह को पालना चाहते हैं क्योंकि बिना पाले काम चलेगा नहीं। और पता है, हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि इंसान जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, ठीक है, वैसे वैसे चीज़ें कैसे हम लोगों का संवरती गई, हम लोग खेती करना क्यों सीखे। पता है हम लोग खाना पका करके क्यों खाना शुरू किए? देखो बताते हैं, अगर जो हम लोग खाना पका के नहीं खाते ना, अरे रुकना है यार तुम, हम लोग अगर जो खाना पका कर नहीं खाते ना तो हम लोगों को खाना पचाना में ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। यही कारण है कि जो अपने प्रकृति में, जो नेचर में, अपने मतलब लाइफ में जो लोग कच्चा खाना खाते हैं, जो जानवर कच्चा देखे ना, जानवर एक्चुअली कच्चा खाना खाते हैं, तो कच्चा खाने के लिए, कच्चा खाना को पकाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ज़्यादा मेहनत करने के कारण वो एनर्जी कहीं हम लोग और नहीं यूज कर सकते, और यही कारण है कि हम लोग खाना पका करके सीखे, ठीक है। हम लोग दो हाथ का भी इस्तेमाल इसलिए करना सीखे क्योंकि अगर जब लोग जैसे हम लोग पता है हम लोग इंसान कहने के लिए हो, इंसान इंसान कोई अलग से कोई प्रजाति नहीं है। लोग कुछ लोग बोलते हैं हम लोग बंदरों के वंशज है, ठीक है। तो कभी कभी देखना तुम बंदर लोग मतलब कि दो पैर से भी चलता है, ठीक, तो बंदर वैसे उतना आगे बढ़ नहीं पाए। हालांकि डार्विन का सिद्धांत के बारे में आपको बाद में बताएंगे कि हम लोगों का कैसे विकास हुआ है, ठीक। विकास तो मेरा भी नाम है लेकिन ऐसा जाए यार, ठीक है। हाँ, तो हम कहना चाह रहे थे कि लास्ट बार एक मिनट को अभी इस एपिसोड में क्या करना है अब इसका हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस एपिसोड में मेरे को कुछ कायदे का थोड़ा सा बेस बनाना है, ठीक है, और मेरे को पता है मवेशियाँ पालना है, ठीक है, ताकि खाना का जुगाड़ हो पाए क्योंकि खाना का ही सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज है, ठीक। लास्ट बार जो एक मिनट को यहाँ सो जाते हैं फालतू का, क्या है कोई क्रीपर आएगा उड़ा देगा फालतू का, ठीक है। हमको रात से डर नहीं लगता है, हमको डर लगता है बस खाली कोई मेरा बेस उसना बर्बाद हो जाए इसलिए, ठीक है। तो हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग खाना पका के खाना इसलिए शुरू किए ताकि हम लोग पके हुए खाना को आसानी से पचा सके, ठीक है। और पका हुआ खाना को आसानी से पचा पाने के कारण हम लोगों का शरीर में जो एनर्जी लगती है खाना पचाने में, देखना आप खाना खाने के बाद से सुस्त पड़ जाते हो, ठीक है, तो जो एनर्जी लगती है खाना पका के खाने मतलब खाना पचाने में, वो एनर्जी आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। यही कारण है कि हम लोग खाना पका के खाना सीखे, ठीक। और पता है इंसान अगर जो खाना पका के खाना नहीं जानता, जो खाली कच्चे खाते थे, कच्चा मांस, कच्चा कच्चा गोभी, कच्चा आलू ना, तो हम लोग को बहुत एनर्जी लगता है, बहुत अपने शरीर से ताकत लगता है उतना ही खाना को पका पाने के लिए, इसलिए हम लोग खाना पका के बनाना शुरू किए, ठीक है। तो पता नहीं खाना पकाने का बात ही क्यों शुरू हुआ था। अभी फिलहाल के लिए टारगेट किया था हम लोगों को कि ऊपर में वो बेस बनाना था, चलो फिलहाल के ये सब ले रहे हैं, खेती बाड़ी करने का और भी इससे बेटर तरीका है लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे को वी जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग, ठीक। मेरा पता है इस सीरीज में ना बहुत सारे क्रेजी चीज़ें करेंगे। क्रेजी चीज़ करने का मतलब ये है जैसे कि द एंड में जाना, ठीक है, फिर अजीब अजीब मॉब्स को ट्रैप करना है, फिर कुछ ना बहुत क्रेजी पंती चीज़ें होगा। और हाँ, मज़ेदार बात ये बाकी सारे सीरीज पे जो यूट्यूब पे है उनसे थोड़ा सा यूनिक ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम नॉलेज की बातें करेंगे, साइंस की बातें करेंगे। नॉलेज तो मेरे पास बहुत है, भर भर के रखा हुआ है, कहो तो चार किताब लिख दे असल में क्या है ना, देखो हम जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़े नहीं है, तुमको बता रहे सीधी बात, हम लाइफ में बहुत कुछ उखाड़े नहीं है, हम कोई बहुत बड़े कलेक्टर लेक्टर नहीं है, ठीक है। पता है क्यों? हम कभी थोड़ा सा ये पढ़ाई करते, थोड़ा सा वो पढ़ाई करते, थोड़ा ये थोड़ा वो, हमको कानून की बातें आती है, हमको इतिहास की बातें आती है, हमको भूगोल की बातें आती है, हमें अर्थशास्त्र की बातें आती है, ठीक है, हमें साइंस की बातें आती है, मैथ की बातें आती है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें आती है थोड़ी थोड़ी करके। ओवरऑल मेरे पास बहुत नॉलेज है, यही कारण है कि हम जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन यही कारण ये भी बनेगा कि हम इस यूट्यूब पे उखाड़ेंगे। बिकॉज आई हैव सो मच थिंग्स टू शेयर, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर, मतलब आप बस खाली एपिसोड देखते जाओ, धीरे 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 आपका इतना ज्ञान बढ़ते जाएगा, आप पापा को बोलोगे पापा आपको कोचिंग करना है तो हमसे बताइएगा हमारे पास ठीक ठाक नॉलेज है। कुछ कुछ चीज़ों की अभी भी मतलब मेरे को अभी भी भूख बहुत है, ऐसे ही बता रहे, मेरे को मन करता है कि कमरा बंद कर ले, अच्छा खाना पानी मिले और यार जो मन में है सो पढ़ते जाए, ठीक है। कल रात का ही बात है, कल हम मतलब पार्टिकल एक्सीलेटर के बारे में पढ़ रहे थे। पार्टिकल एक्सीलेटर क्या होता है आपके बारे में बाद में बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हालांकि आपको बता दे रहे, जो मूवी आयरन मैन थी उसमें आयरन मैन 2 मूवी पे जो उसने कमरे में एक ऐसा गोल गोल सा जैसे नहीं बनाया हुआ था, गोल गोल सा, उसको कहते हैं पार्टिकल एक्सीलेटर। तो पार्टिकल एक्सीलेटर बहुत ही यूजफुल चीज़ है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे चल के बताएंगे। तो कल शाम को हम वो देख रहे थे। तो फिलहाल के लिए हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम लोग दो पैरों पर भी चल रहा है इसलिए शुरू किए ताकि बाकी दो हाथ खाली हो तो हम कोई सामान वामान ले जा सके। आप कभी कुत्ते को कायदे से उतना सामान ले जाते हुए नहीं देखोगे, मुंह में अपना दबा ले भले ही, तो हम लोग उतना सामान मतलब कुत्ते उतना सामान लेके नहीं जल जा पाते हैं, इसलिए इंसान ना मतलब कि
हम लोग आगे हैं कुत्तों से क्योंकि हम लोग मतलब दो हाथों से चीज़ों को ले जा सकते हैं। एक मिनट अगर हम लोग पास खाने की कमी होती जा रही है, देख रहे हो भूखे, पता है मेरा कैरेक्टर जनरली ना व्रत करते रहता है जब तक मतलब समझो कि हील करने का क्या हुआ, अच्छा जब तक मतलब हील करने की ज़रूरत ना पड़े ना तब तक मेरा कैरेक्टर हील करते रहता है। और उसके बाद से अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये देख ले रहा था कि यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सही चल रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग देखना जरूरी है भाई, नहीं तो पता चले एक घंटा बकवास किए। ये क्या है, ये बेरी भूसा क्या, मेरे को तो लग रहा है वैसे बेरी भूसी है। ठीक है तो चलो ठीक है, मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हो गई थी, ये सब चीज़ें हो गई थी। ठीक है मेरे पास नॉलेज, पता है ये सीरीज, पता है ये सीरीज जनरली मेरे को, हम सही बताया ना, अभी मेरे को उतना कुछ इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्या बताएं, बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं यार, इक्का दुक्का इक्का दुक्का, वो भी काफ़ी दिन पे। ठीक है आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। अरे भाई पता है कई लोग सक्सेसफुल लोग हैं, बाप रे बाप। एक यूट्यूबर को हमने देखा था, अगर जो आप उसको, अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हो तो बेसिकली आप उसको भी जानते ही होंगे। ठीक है उस बंदे ने 1474 वीडियो डाला है, 1474 वीडियो डाला है एज पर द लास्ट टाइम हम कल शाम को देखे थे। ठीक है तो हम आप जान सकते हो कि उसके कई सारे चैनल्स हैं और बंदा बड़ी मस्त है। ठीक है तो या उसने 1474 वीडियो डाला है, तब जा कर के आज उसने पता नहीं क्या एक बहुत 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 एक फोर व्हीलर लिया था, वो भी कोई फोर व्हीलर, कोई टाटा नैनो नहीं लिया था अच्छी गाड़ी ली थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, हम यूट्यूबर का नाम भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि दिस इज अ लॉन्ग रोड। ठीक है यूट्यूब वाली जो जर्नी होती है ना, ये काफ़ी लंबा जर्नी होता है। जो चीज़ आज हम कर रहे हैं हमको ना कई साल पहले कर रहना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि क्या बताया, कंप्यूटर का जुगाड़ ही नहीं था। बताया मेरे पास आइडिया था कि ऐसे वीडियोज़ बनाने हैं, वैसे बनाने हैं। ठीक है लास्ट बार एक लड़की धोखा देकर चली गई तो सोचे थे यूट्यूब चालू करेंगे तो सोचे ही थे, क्योंकि यूट्यूब चालू करने के लिए मेरे को कंप्यूटर चाहिए थी। अभी इस कंप्यूटर को जुगाड़ करते करते मेरे को बहुत टाइम लग गया है। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, नाव है बेगनेट और देखते हैं कब तक चलता है। हमको कुछ ऐसा बहुत भूख भी नहीं लगी हुई है, लालच भी नहीं लगा हुआ है कि सब्सक्राइबर दो सब्सक्राइबर दो, प्लीज़ प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज आपको पता ही आपको क्या करना चाहिए। हाँ कि हमारी पब्लिक समझदार पब्लिक होती है। ठीक है अबे यार हूँ कर रहे इसको, कहाँ हूँ करे गधे, इधर आ तुम इधर आ, अरे 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 एक मिनट को, अरे अरे बक देख रहे हो, ये पता है विलेजर्स पता है कि प्रिटी मच एनॉइंग होते हैं, प्रिटी मच एनॉइंग। देखो 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 कहाँ भाग रहा है, देख रहे हो देख रहे हो, ये देखो देखो तेरा मंद बुद्धि, देखो कहाँ भाग रहा है। एक मिनट को यार, अरे एक जगह रुको गधे, कहीं के ये पता है पिटा पिटा के मर जाएगा। ठीक है सही बता रहा है, पिटा पिटा के मर जाएगा अब एक गुस्सा लग कमी नहीं कहीं के तुम एक जगह रहा रुक 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 रुक, गिर जा देखो साला, देखो अबे तो मेरा व्यूअर का टाइम मर बर्बाद करो, गिर जा गिर गया जाओ, अब बाढ़ में जाओ तुम। एक मिनट रुको, यहाँ पे हम लोग कुछ लगा दे क्या मेरे पास वो तो, रुको एक मिनट रुको, कोयला है ना, कोयला है और ये ठीक है। सुनो यहाँ पे हम लोग एक लगा दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो फिर सलाह भुला जाएंगे कि यहाँ पर कोई है भी, जिंदा दफन कर दिया। हाँ तो हम ये बोले थे कि मेरे को सब्सक्राइबर का बहुत ज़्यादा भूख नहीं है और मेरे व्यूज़ भी ठीक ठाक ही है, मतलब जितना हमको उम्मीद था उससे बढ़िया ही व्यू आ रहा है, सीरीज आ रहा है। तो या आई काइंड ऑफ लाइक इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है बस खाली सब चीज़ें सही सही होते रहे, हम अपना काम ना छोड़े चाहे जो भी हो, दिन आए सर्दी आए। और वही हुआ भी, पता है कुछ दिन पहले मेरा मूड बहुत ख़राब था, मतलब बहुत ही दिल से चोट पहुंची थी, लेकिन हमने फिर भी वीडियोज़ बनाए हम आगे बढ़े, काम किए हम। ठीक है अरे नहीं अरे गधे कहीं के पीछे जा ठीक है। हाँ तो हमने फिर भी वीडियोज़ बनाए, हम आगे बढ़े और 17 तारीख के अराउंड से हमने वीडियो डाला। हाँ 17 तारीख से हमने शुरू किया था, हालांकि उस दिन मेरा बहुत मन नहीं कर रहा था, बहुत दिमाग ख़राब था, क्या बताया यार दिल की हाल लेकिन कोई बात नहीं, हमने वीडियो बनाया, वीडियो अपलोड किया, वीडियो बनाया और आज हम पहले से बहुत बेटर फील कर रहे हैं। धीरे धीरे चलते का नाम ज़िंदगी है, सो या हम बार बार ये बोलते रहेंगे ठीक है, ताकि आप लोग समझो कि आपको अगर जो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो कहीं एक ही जगह अटक के नहीं रहना। ठीक तो हम वही बोले थे कि मेरे को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है लालच सब्सक्राइबर की, व्यू की, सबसे मेरा वीडियो अगर जो अच्छा रहेगा तो लोग देखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई मेरे से दुश्मनी कर रहा है यूट्यूब की, अरे इसका वीडियो हम नहीं चलने देंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर जो मेरा फ़ायदा है तो यूट्यूब का फ़ायदा है ये। ठीक है सो यार मेरे को उतना
लालच नहीं है। और पता है एक बहुत मस्त, हम बहुत बड़े धार्मिक आदमी तो नहीं है, लेकिन हम गीता का बहुत कदर करते हैं, ठीक है। तो गीता में एक बहुत मस्त श्लोक लिखा गया है, मतलब बहुत ही एकदम सटीक श्लोक लिखा गया जो यूट्यूब वाले लाइन में बहुत ही सटीक बैठता है। वो ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या होता पता है? इसका मतलब ये होता है कि कर्मण्येवा मतलब कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ मतलब होता है, ये हिंदी वाला माँ नहीं है, वो संस्कृत वाला माँ है। माँ मतलब होता है मत। अरे यार तुम्हारी तो, अरे हम शील्ड बनाए तो थे, नहीं बनाए थे, ठीक है। हाँ, तो कर्मण्येवाधिकार अस्तु मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब होता है कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता, फलेषु मा फलेषु मतलब मत फल की चिंता करो, कदाचन, कदाचन मतलब कदाचित, कभी भी फल की चिंता ना करो, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, यही चीज़ पता है जिंदगी में बहुत सारा चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, ठीक है। जस्ट कीप ऑन गोइंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग थिंग्स, जस्ट कीप ऑन गोइंग। अगर जो तुम उस चीज़ के लायक होगे तो तुमको बोले ना कि मिला देगा वो चीज़। वैसे बॉलीवुड तो चुतियापा होता है, ठीक है, लेकिन बॉलीवुड का एक लाइन हमको मतलब शायद हम कभी ना बोले, उसमें ये लाइन बोलता है ना कोई हीरो हीरोइन, पता नहीं कोई बोलती है कि जब आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो ना पूरा, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलने में लगा देती है, ठीक है। हम शायद शिद्दत से चाह रहे हैं ऐसा तो लग रहा है क्योंकि जब मेरा दिमाग ख़राब था, दिल टूटा था, चोट लगा था, बीमार थे तब भी हम थे, और आज हम पहले से थोड़ा सा बेटर है। हमको खांसी आ रही थी, देखो कितने हमको खांसी आ गई थी, तो अभी तो खांसी नहीं है तो इसका मतलब ये खांसी नहीं है, लेकिन यार अभी तो पहले से बेटर फील कर रहे हैं। सो या इट्स आई थिंक कि हम भी थोड़ा मोड़ा हकदार है, बट हमें कोई ऐसा भूख नहीं है, हमें कोई ऐसा जल्दी नहीं है। आप मेरी ऑडियंस बने और चीज़ें शेयर करें। पता है ये बाकी सारे सीरीज हमने बोला ना कि बाकी सारे सीरीज से यूनिक इसलिए क्योंकि आपको इसमें दुनिया की बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, ठीक है। हम अब पता है मेरे से ओवर एक्टिंग होता भी नहीं है, सही बताया ना। आज तुमको बता रहे हैं जो हम कह रहे हैं ये कहना, ये हम शायद फ्यूचर में और बात भी कहेंगे, लेकिन पहली बार के लिए इतना सुन लो कि यार मेरे को इसमें नौटंकी होती नहीं है। जो लोग SMP में खेलते हैं ना, बोलते हैं कि अरे भाई मैं मर जाऊंगा, ये हो जाए, अबे चूतिए, गेम है, ऐसे करो, सेव एंड क्विक टू टाइटल करो, फिर से स्टार्ट कर लो, क्या है तुम्हारे पास, क्या चीज़ दांव पे लगी हुई है। हाँ, ऑब्वियसली हार्डकोर चीज़ होती है, जो हार्डकोर गेम प्ले होती है वो चीज़ें फ़र्क पड़ती है, वो चीज़ें असर पड़ती है। क्यों? क्योंकि यार हार्डकोर में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जब तक आपके पास कोई चीज़ खोने के लिए नहीं है ना, तब तक उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, सीधी बात हम तुमको बता दे रहे हैं। तो यही कारण है कि मेरे से उसमें नोटंकी हो नहीं पाता था कि SMP का चुतियापा के देखो वो जॉम्बी है, वो मॉन्स्टर है, ये है, वो है, अबे वो है मार देगा, फिर से रिस्पॉन्ड कर देगा, अपने बेस के ही तो बगल में है, इसलिए हम उतना नोटंकी कर नहीं रहते। लेकिन इस सीरीज में इतना और सब मतलब यूट्यूबर से ये सीरीज इसलिए यूनिक है क्योंकि मेरे पास नॉलेज बहुत है शेयर करने के लिए। हम फिलहाल के लिए मेरे बारे में जान लो कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैं थोड़ा बड़ा पोएम भी लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा गिटार भी जाता हूँ, थोड़ा बड़ा फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा हल्का सा आती है, जापानीज आती है, स्पेनिश भी स्पेनिश भी हम सीख रहे थे, बट हम उसको छोड़ दिए क्योंकि अरे यार सब इतना सारा चीज़ कैसे होता था, ज़िंदगी में बहुत बिजी थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो नहीं है, क्या कहते हैं, भूख नहीं है सीखने के, सीखेंगे, मेरे पास बहुत टाइम है। अब ज़िंदगी भर मतलब अकेले ही रहे हैं तो मोस्ट लाइकली शायद अकेले ही रहे हैं, तो हमारे पास बहुत टाइम है सीखने के लिए। फिलहाल के लिए पता है रिकॉर्डिंग करते करते साला टाइम कब बीत जाता पता ही नहीं चलता है, ठीक है, टाइम कटते रहता है और पता भी नहीं चलता है। देख रहे हो खाने के लिए कुछ है नहीं, मेरा मन कर रहा है कि उधर मारे, अच्छा ठीक है अब आ गया ना, अब चलो यहाँ पर पहले बात खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, कुछ बो देते हैं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। कहाँ बनाए खेती होती, देखो फिलहाल के लिए इसे पता है, फिलहाल के लिए हम लोग ना यहीं पर बनाते हैं, क्या कहते हो, एक मिनट रुको, वो हम लोग इसलिए बनाए हैं ना क्योंकि यहाँ पे पता है मेरे को थोड़ा सा रिस्क चाहिए, थोड़ा सा रिस्क चाहिए। पता है अगर जो टेरेरिया खेल रहे होते हैं ना, टेरेरिया में एक कैंडल होता है, क्या कहते हैं उसको, वाटर कैंडल कहते हैं, ठीक है, टेरेरिया में वाटर कैंडल लेकर जब आप खड़े रहोगे तो एनिमीज स्पॉन होने लग जाएंगे कई सारे। तो यहाँ पर अगर जो यहाँ पर क्या बोलते हैं माइनक्राफ्ट में अगर जो वाटर कैंडल जैसा रहता कोई चीज़ तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा वाटर कैंडल नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सुनो, तो हम लोग अपना खेती बाड़ी इधर किया जाएगा, ठीक, खेती बाड़ी इधर करेंगे, अपना मॉस फॉर्म बनाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक। एक मिनट को पहले नीचे वाला बेस बना दिया जाए, क्यों,
नीचे वाला बेस बना दिया जाता है ताकि वो सब चीज़ें होते रहे। हाँ तो हम आपको रिकमेंड करेंगे ये सीरीज इसलिए भी देखने के लिए क्योंकि अगर जो आप मेरा सीरीज खाली देखते रहोगे ना आपको इतना नॉलेज होगा ना, आपको इतना नॉलेज होगा, इतना नॉलेज होगा कि क्या होता है। आपको कानून के बारे में पता चलेगा, आपको अपने आसपास के देश दुनिया के बारे में पता चलेगा। सोचो ना मज़े आ रहा है, सीख भी रहे हो। अब इट इज़ अ डील, इट्स अ डील ब्रो, इट्स अ डील, ठीक है, इट्स अ विन विन डील, ठीक है। आप मतलब सोचो ना हर दिन अपना हर दिन मेरा वीडियो देख लो, उसके बाद से आपका आपको मजा का मजा आ रहा है, नॉलेज भी आ रही है। आई मीन इससे बढ़िया डील हमको नहीं मिल सकता है। आप अगर जो घंटों गेम खेलोगे आप मम्मी पापा को बोल भी दे रहा है कि पापा हम गेम देख तो रहे हैं लेकिन हम कुछ सीख भी तो रहे हैं। और हमने आपको बहुत सारा चीज़ सिखाया, हमने गीता का श्लोक के बारे में बताया, हमने आपको बताया कि हाँ हमने आपको जनरल चीज़ें बताई, हमने आपको बताया कि हम लोग खाना क्यों पका के खाते हैं, ठीक है। खाना पका हुआ खाना को पचाना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। कच्चा खाना खाओगे तो फिर उसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग पका हुआ खाना खाते रहते हैं, ठीक है। पका हुआ खाना खाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपका पता है बहुत सारा कीटाणु होती है, बहुत सारे कीटाणु मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब लोग जनरली सफाई, हम भी पता है जो खाना मेरे को पका हुआ रहता है ना उसको हम बहुत ज़्यादा वो नहीं देखते, क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नहीं देखते कि यार कितना सफाई से इसको पकाया है। पका हुआ खाना वैसे साफ तो खाना ही चाहिए, बट पका हुआ खाना में जितने बैक्टीरिया है, वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, फ्लैजलेट्स है, क्या क्या है वगैरह वगैरह, वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ दी 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पानी उबलता है। अब देखो पानी उबलने के बारे में मेरे पास बहुत सारे नॉलेज है। हम लोग की पानी जो उबलती है 100 डिग्री तापमान पे उतरती है। देखो मेरे वीडियो जो देख रहे हैं ना वो क्या हिंदी में है कि इंग्लिश में है हमको नहीं पता मेरे व्यूवर्स क्या है, लेकिन हम ये टारगेट करके रख रहे हैं कि जनरली जो व्यूवर्स हैं मेरे वो वो करेंगे, देखेंगे क्या कहते हैं। उनको हिंदी भी आती है थोड़ी बहुत, अंग्रेजी भी थोड़ी आती है, ठीक है। तो अब मेरे को क्लियर पता नहीं है तो मैं किसी में भेदभाव नहीं करूँगा कि ये वीडियो सिर्फ हिंदी बोलने वालों के लिए या फिर इंग्लिश बोलने वालों के लिए है, बट मैं कंटिन्यूसली कोशिश करूँगा कि दोनों लोगों को साथ मिलकर चले। तो जीवाणु मतलब क्या होता है, बताया जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया होता है जहाँ तक हमको पता है। हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं, मेरे को हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती है, बट इसका अर्थ कदापि नहीं है कि हमें हिंदी में वार्तालाप करने की क्षमता नहीं है। तो हमें हिंदी आती है एंड आई विल कंटिन्यू ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एज पर द सिनेरियो, एज पर द सिचुएशन, ठीक है। तो हाँ हम आपको बता रहे थे पानी जो उबलती है, पानी उबलती है 100 डिग्री तापमान पे, लेकिन साफ पानी जो होती है वो उबलती है 100 डिग्री तापमान पे। पानी अगर जो गंदा होगा तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ एक बात और है, आई फकिंग हेट ये क्या बोलते हैं फारेनहाइट स्केल, मेरे को फारेनहाइट समझ में नहीं आता यार। फारेनहाइट हुआ, यार्ड्स हुए, गज हुए, ठीक है, फीट हुए, ये सब क्या नौटंकी यार। पता है हम सीबीएसई पे पढ़े हुए, ठीक है। तो मेरे को पता है वो क्या कहते हैं एसआई सिस्टम जो होती है, एसआई सिस्टम ही ज्यादा सही लगता है, ठीक। एसआई सिस्टम से होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जहां तक बात है, जिसमें हम लोग टेंस के मल्टीपल, टेन के मल्टीपल में हम लोग वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, टेन के मल्टीपल में वो होता है, क्या कहते हैं, मेजरमेंट की इकाई होती है, ठीक। एक मिनट को हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे इसको कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ खाना वाना पकाएंगे, अपना खाना और पकाएंगे, खाना यहाँ पे बनाएंगे। तो हाँ हम क्या कह रहे थे, पानी अगर जो गंदा होगा तो उसका तापमान उबलने का बढ़ जाएगा, 101 डिग्री बन जाएगा। और ये सब चीज़ आपको पता है 9th-10th के बुक में आपको मिलेगा, रॉल्ट्स लॉ करके, ठीक है। शायद हमको पता है शायद 9th के बुक में था, ठीक है। हाँ रॉल्ट्स लॉ आपको दो पढ़ना पड़ेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का वो पॉइंट होता है टेम्परेचर में जिस पॉइंट पे पानी उबलती है, ठीक है। तो रॉल्ट्स लॉ उसको कहा जाता है, ठीक। और आपको वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अगर जो पानी गंदा है ना तो ज़्यादा कम तापमान में उसको करोगे तब जाके वो जमेगा, ठीक है। साफ पानी जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब 0 डिग्री तापमान पे वो जमने लगती है, लेकिन गंदा पानी जो होता है, गंदा पानी आपका 0 डिग्री से भी नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए देखना कि आप लोगों का जो ना वो होता है, क्या कहते हैं, जो आपका वो होता है आइसक्रीम होता है, जनरली उसमें कभी देखना नमक मिलाया जाता है, ठीक है। नमक उमक मिलाने से उसका क्या होता है कि डिप्रेशन ऑफ वो हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट। मेरे मन नहीं कर रहा है यहाँ पे कुछ करने का। एक मिनट, पता है ये पता है बहुत पुराना तरीका खेती का, ये जो 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 हम मेथड्स यूज कर रहे हैं ना, ये थोड़ा पुराना तरीका खेती करने का, लेकिन इसमें ये होता है था कि इसमें वो नहीं होता था, क्या कहते हैं, मतलब हमने सुना है कि इससे वो होता है ज़्यादा बेटर तरीके से वो होती है, क्या कहते हैं भाई, क्या होती है ज़्यादा बेटर तरीके से, एक मिनट को यार,
ज़्यादा बेटर तरीके से उसमें जल्दी पौधे उगते हैं, ठीक है। सो बट वी डू नीड टू वेरीफाई इट, विल वेरीफाइड इट लेटर। ये गिरा, ठीक। तो हाँ, तो रॉल्स लॉ आपको बताया, उसमें पता है मोलैरिटी आपको बताया जाएगा। काई काई एक काई करके एक सिंबल होता है, ऐसे करके, तो वो आपको आगे चल करके समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग को थोड़ा आयरन चाहिए, क्योंकि आयरन की कमी है, और आयरन कहाँ से मिलेगा। एक आयरन, कुछ आयरन यहाँ पे था, ठीक। थोड़ा सा आयरन ले, देखो ये कौन हूँ बोला, अच्छा यही था गधा जमीन में चला गया तो आयरन एक चाहिए मेरे को, एक और चाहिए यार। उसको मन कर रहा है मारने का, लेकिन उसको हम प्रिजर्व में रखें। अरे यार चोट क्यों लग रहा है मेरे को, ठीक है। अच्छा हाँ, याद आया मेरे को, जब हम पिछली बार जब चढ़ रहे थे तो हम लोग को यहाँ भी तो आयरन दिखा था, याद आया बच्चे, याद आया। बता दे कहाँ पे आयरन था, यहाँ कहीं आयरन था, क्यों जब यहाँ हम लोग जा रहे थे तो इस साइड कहीं पे आयरन था, पहाड़ पे था, वहाँ पे आयरन था, मेरे को याद है। चलो चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। वैसे भी क्या बहुत ही मतलब दूर तो नहीं है, तो चलते हैं वहाँ पे। हाँ, तो आपको बताएं साइंस के बारे में, आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है, मैं तो केमिस्ट्री भी मेरा बहुत फेवरेट है, रसायन विज्ञान जो कहते हैं हिंदी में, तो रसायन विज्ञान भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। मेरे को पता है हर नॉलेज की बातें चीज़ें, अरे अरे मेरे को हर नॉलेज की चीज़ें अच्छी लगती है। सो या वी विल सी अबाउट दैट, लेट सी। तो हम बताया मतलब कि हम भी चाहते थे कि लिस्ट ब्लिट्स प्ले और सबका बकलोली जैसे कर सकते थे क्या, कर सकते थे। मेरे को बकलोली नहीं कहेंगे, मतलब हम इतना कहेंगे कि मेरे को उससे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है, ठीक है। कुछ चीज़ें शेयर करने पे, अगर जो आप मेरा वीडियो देखो आधा घंटे की देखो और इतना नॉलेज बढ़ जा रहा है, सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। बापरे वो क्या है, नेदर पोर्टल है, मतलब सही जगह स्पॉन किया क्यों, आई थिंक बेटर जगह, अच्छा जगह स्पॉन किया गया, ठीक। पहले आयरन लेकर के आते हैं, आयरन का बहुत सख्त ज़रूरत है, हम लोग को सख्त से सख्त आवश्यकता है, ठीक है। और हाँ, बायोलॉजी बायोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें किया जाएगा, ठीक है। आपको अपना ख्याल कैसे रखा जाता है, इंसान का मतलब आदमी का बायोलॉजी और औरत का बायोलॉजी, वो सभी जानकारी है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि आधा दिया जानकारी देंगे, ठीक है। बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मज़ा आएगा। हाँ, सब्सक्राइब कर दो मन है तो शायद मेरे वीडियो आप मिस ना करो, ठीक है। सुबह उठो वहाँ दो आधा घंटा हमारा वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद से तुम एक महीना खाली वीडियो देखो, देखो तुम्हारे पास इतना ज्ञान आ जाएगा ना, तुम रिवर्स कोचिंग करने लगोगे तुम अपने कोचिंग सर को पढ़ाने लगोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें रिलेवेंट नहीं है, कोचिंग सर का अपना जरूरत है। कोचिंग सर तुमको क्वेश्चन करवाएंगे, हम थोड़ी क्वेश्चन करवाएंगे, बट हम कितना कहना चाह रहे हैं कि या हमारे वीडियो देखने से यू विल फील मच बेटर, यू विल फील बेटर। हर दिन वीडियो आप देखोगे तो आपको मतलब बेटर फील होगा, ठीक। और हाँ, तो चलो हो गया अपना सेल्फ प्रमोशन हो गया, बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर लिया। कहाँ गया वो, नहीं यार अभी हम यहाँ से गिरेंगे ना, सब चला जाएगा वो, देखो देखो ये खत्म हो जाएगा, पता है अभी हमको लगता है ये खत्म हो जाएगा, देखो जो गोलम उधर लड़ रहा है। ऐसा नहीं है, अपने कोचिंग सर का भी रिस्पेक्ट किया करो, माँ बाप का रिस्पेक्ट किया करो यार। जब तक माँ बाप बनोगे नहीं ना, तब तक माँ बाप का वैल्यू समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हम चाहे जितना भी कहते हैं ना, हमको भी पता है कि ये बात में जो दम है ना, ये दम का जो असली एहसास होगा ना खुद के माँ बाप बनने में, माँ बाप से बड़ा पता है हमको ना। हम थोड़ा सा मतलब विवादास्पद बात कहेंगे, लेकिन माँ बाप से बड़ा हमको बेवकूफ कोई दिखता नहीं यार। वो लोग अपना यार पूरा लगा देते हैं जिंदगी किसी के लिए, ठीक है। और कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि तुम बड़ा होकर के अपने माँ बाप का सेवा करोगे ही करोगे, देर इज़ नो गारंटी। लेकिन माँ बाप यार क्या बताए, खासकर माँ यार, यार कहना ही क्या है। माँ के ऊपर हम इतनी बातें करेंगे ना फ्यूचर में कि तुमको हम बता देंगे कि माँ होती क्या चीज़ है, ठीक है। हम तो माँ नहीं है हम माँ तो नहीं है, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं, हम चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं कई सारी चीज़ें। सो या हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि माँ का दिल क्यों नहीं दुखाना चाहिए। कुछ चूतिया है साले पबजी खेलने के कारण माँ को ये उड़ा दिए। हाँ, हमने पेपर में सुना था एक चूतिया था पबजी खेलते खेलते, बताया क्या किया था कि माँ का पिताजी का कहीं बाहर गए हुए थे, तो उनका जो लाइसेंसी वो था पिस्तौल था, क्योंकि उसके पिताजी पुलिस में थे, तो उसने माँ को सोए तो माँ को उड़ा दिया साले बंदूक से, हराम गोर कमीने। तो यह सही बता रहे हैं, माँ बाप अगर जब आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो तुम सोचो ना भाई, तुम्हारे पढ़ने से उनके अकाउंट में पैसे तो बढ़े नहीं गए, ऐसा तो है नहीं कि तुम पढ़ने लग गए तो फिर उनको कोई पैसा आके देने लग गया कि बोला ये बोला कि भैया आज आपके बच्चे ने पढ़ाई लिखाई करी है, ये ले लो पैसे ले लो, और आगे ये आप ले लो पैसे, आज आपके बच्चे ने 2 घंटा पढ़ाई लिखाई करी है, 3 घंटा तुम पढ़ोगे बेटा तुम्हारा फ़ायदा होगा। माँ बाप को कभी पढ़ते हुए देखते हो, जनरली माँ बाप को तुम पढ़ते हुए नहीं देखोगे, ठीक।
नहीं 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 गए 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 कहाँ गए थे, हम रिस्क ले लिए थे। कोई बात नहीं, गिरेंगे तो तभी तो सीखेंगे। कहाँ थे हम लोग, उधर ही गिरे थे क्यों, उधर ही गिरे थे, फिर से गिरेंगे जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि यार पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स अपना हमारे हमको आपका नहीं पता, लेकिन हम अपने पेरेंट्स का ही बता रहे हैं। अगर जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर, हमारे भाई बहनों के ऊपर पैसे नहीं लगाए होते, तो हमारे पिताजी के पास इतनी थी काबिलियत कि हर साल, लगभग हर साल वो नए नए कार, नया कार, बेटर कार खरीद सकते थे और ज़्यादा बेटर रह सकते थे ज़िंदगी। लेकिन हम देखे यार अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए, और हम भी कोई बहुत बड़े अभी भी अकॉम्प्लिश्ड आदमी नहीं है, आपको हमारा थोबड़ा देख के पता चल गया होगा। लेकिन यार माँ बाप कैसे किसी के लिए इतना मतलब कर लेते हैं, यू सोचोगे तो थोड़ा सा तुमको एहसास होगा कि तकलीफ का क्या प्रैक्टिकल होता है। माँ बाप से पूछो, हर दिन वो लोग, हर दिन बेचारे, हर दिन वो झंकते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, ताकि हमारे बच्चे को चोट ना लगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, सही सलामत रहे, इज्जतदार समाज में आगे बढ़ते रहे। दे सेक्रीफाइस सो मच फॉर यू, और तुमने क्या दिया। एक गाना बहुत अच्छा था, मतलब कि किसी ने गाया है, माँ बाप को तू, माँ बाप का तू ना दिल ना दुखा, माँ अपने माँ बाप का ना तू दिल दुखा, ऐसा करके गाना है, ठीक है। सो या यूट्यूब पे सर्च कर लेना, करीब 15 मिनट का गाना है, बहुत अच्छा, मतलब कि यार वन ऑफ द बेस्ट फ्रिकिंग सॉन्ग ऑन यूट्यूब है। सो या ट्राई टू थिंक ऑफ इट, अपने पेरेंट्स को फॉलो करो, पेरेंट्स को समझाओ, देखो तुम अपना पढ़ाई लिखाई कर लो। तो जनरली आमतौर पर पेरेंट्स इतने कमीने नहीं होते हैं कि अपने माँ बाप का दुश्मन, अपने बच्चों का दुश्मन होने, ठीक है। जनरली पेरेंट्स इतने कमीने नहीं होते हैं, ठीक। तो पढ़ाई लिखाई कर लो, अपना गेम खेलो, तुम अपना ड्यूटी करो, माँ बाप अपना ड्यूटी करें। कभी तो मेरे ख्याल से जनरली ऐसा नहीं होता होगा कि तुम सुबह सो करके उठे और ठीक है, और माँ बाप ने ए बेटा आ जाओ खांसी आ गया था देखा हम क्यों मर गए पता है क्योंकि अरे बच्चुआ देखो मेरा हंगर नहीं था, हंगर चाहिए था, मेरा हंगर कम हो गया था ना। अरे बेटा भागे क्यों बे, तुमको क्यों किए तुम्हें, ले अब गुस्सा आ रहा मेरे को यार, अब गुस्सा आ रहा, ठीक है। हाँ तो बाकी सारी चीज़ें बारे ज्ञान की बातें भी किया जाएगा, ज्ञान की सारी चीज़ें भी बातचीत होते रहेगी आगे चल करके, नॉट नाउ, अभी के लिए तो हो गया मजाक, नौटंकी हो गया अब, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का टाइम शायद अब हो गया, क्यों 9 बज के, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है इसलिए बताया, तो आई रियली डोंट वांट टू गो, मज़ा आ रहा है आज, मतलब अपने दिन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाइम जो होता है ना, वो फिलहाल के लिए वीडियो बनाना होता है। रियली लाइक टू मेक द वीडियोज एंड ऑल दैट। चलो कम से कम एक खेती बाड़ी तो करके ही जाते हैं, ठीक है, बिना खेती बाड़ी किए जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो खेती बाड़ी कर लेते तब आगे निकलते हैं। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आगे चल करके हम आपको ना कई सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको पता है हम ज्ञान नहीं बांटे, हम ऐसे नहीं ज्ञान बांटने वाले कि यार किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करो, ठीक है, किसी को चोट ना पहुंचाओ, वैसा वैसा नहीं बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात सबको पता है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए, और मेरा क्यों मैं आपको पता है साइंटिफिक रीज़न होगा, ना कि मॉरल, जनरली मॉरल रीज़न नहीं होता, नैतिक रीज़न। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि पाप मिलता है, व्हाट द फक इज दैट, पाप मिलता है, जाओ तुम संगम में नहा लो। अब संगम के बारे में आपको बताएंगे कि जो त्रिवेणी संगम होती है अपनी हरिद्वार में, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं आकर के, तब जा करके वहाँ पे संगम मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, फिलहाल के लिए आप इतना जानो कि बहुत सारी चीज़ें हैं आगे चल करके। अरे देखना यार जब आने वाली वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला, ठीक है। सो या प्लीज़ बने रहिए, और अगर जो आपको लगता है कि कुछ आपके पास कुछ सजेशन है, कुछ सजेशन है आपके पास, तो या फील फ्री टू शेयर इट विद मी, हम उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी वीडियोज में। अरे अपना दुनिया यार, जो बोलो तो तुम्हारा नाम लिख दें यहाँ पे, ठीक है, बोलो तो अपना नाम लिख देंगे तुम्हारा, ठीक। आप कमेंट कर दो यहाँ पे, तुम आपका नाम लिख देंगे, ठीक है, एकदम बड़ा सा बना देंगे तो यार आपको उसके बाद का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जस्ट आप हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए, नॉलेज की बातें होंगी, ज्ञान की बातें होंगी, आगे बढ़ते रहिए और सब चीज़ें होते रहेंगे, ठीक। हाँ इस एपिसोड में हम लोग का टारगेट ये है ना कि खेती बाड़ी करके ये सब चीज़ें कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद पता है यहाँ पे मवेशी लाया जाएगा, खाना का जुगाड़ किया जाएगा। खाना का जुगाड़ करने के बाद से मेरे को थोड़ा सा कुछ यूनिक बनाना, पता है जब सनसेट हो रही होती है ना, एक मिनट करो, कुछ रेंडर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाते हैं, क्यों तक थोड़ा सुंदर लगे, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हाई, ए बबुआ ये लो, ए 18 ठीक हुआ क्यों, 18
ठीक होगा। पता है टाइम ओवर हो रहा है, मेरे को जाने मन नहीं कर रहा हूँ इसलिए बताया तो। आई रियली डोंट वांट टू गो एनीवेयर। मेरा मन कर रहा है कि चलो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। वैसे भी इस एपिसोड में हम लोगों को कम से कम ये टारगेट ये थी कम से कम खेतीबाड़ी शुरू करते हैं, नेक्स्ट बार हम लोग मवेशी लेकर आएंगे और सब चीज़ें बनाएंगे। आगे चल के पता है यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाया जाएगा, बहुत सारे एकदम कूल कूल चीज़ें होंगी, यूनिक यूनिक चीज़ें होंगी और थोड़ा सा पता है वो भी होगा, मज़ेदार चीज़ें भी होंगी। एक मिनट को, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, पता है बहुत टाइम हो गया मेरे को ना, बहुत सारा वो चीज़ बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, इससे पहले पता है, इससे पहले हमने बेडरॉक में बहुत मस्त बनाया था, लेकिन जब से साला अपडेट आया तब से मेरा सारा गोल्ड वोल्ड हट गया, पता नहीं कैसे। हमने डुप्लीकेशन ग्लिच किया था सल्कर बॉक्स से डुप्लीकेशन ग्लिच हो रहा था उस समय बेडरॉक में। अभी के लिए तो मेरे को आइडिया नहीं, आप पता कर लेना, अगर जो आप मोबाइल एडिशन में हो तो आप सल्कर यूज करके ना आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, सल्कर यूज करके आप वो बना सकते हो, बॉक्स बना सकते हो कि आप आइटम डुप्लीकेशन ग्लिच कर सकते हो, ठीक है। हालांकि बार बार माइनक्राफ्ट इसको पैच कर देते हैं मोजैंग वाले, अच्छा ही करते हैं, तो आप इसको कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेकिन आप इतना बात याद रखना कि ये तरीका सही नहीं, मज़ा नहीं आता यार, कोई चीज़ अगर जो फ्री में मिल जाती है ना तो उसका वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यार पता है हम लोग को पता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगे है कि यार कोई चीज़ मिल रहा है तो उसकी वैल्यू क्यों नहीं है, लेकिन बात यही है, कोई भी चीज़ धरती पे बहुत ज़्यादा अगर जो पर्याप्त मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है ना उसकी, तो आप उसका कदर नहीं करोगे। कोई चीज़ें जो चली जाती है ना तब आपको उसका वैल्यू समझ आता है कि अरे आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पास किताब कोई रखी हुई है, ठीक है, आप ससुराल उसको पढ़ भी नहीं करोगे, बोले बैठ साला कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, लेकिन कल परसों मान लो अगर जो कोई तुम्हारा दोस्त उसको दो दिन के लिए फिर एक हफ्ते के लिए लेके जाने के लिए बोला है तो बोलो तू कहाँ जाना है, किताब पढ़ने मन करने लगे, तुम बोलोगे कि अरे यार अरे मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, ऐसे तुम बोलोगे, ठीक है। तो अगर जो आपको कोई चीज़ का वैल्यू बढ़ानी है ना तो उसको कम कर दो, ठीक है, उसको कम कर दोगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर जो कोई चीज़ खा रहे हो तो बांट के खाओ, ठीक है, जब बांट के खाओगे ना तो और टेस्टी लगेगा। मतलब ये थोड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, अगर जो आप समझ पाओ तो समझोगे, नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या ही कहेंगे, नहीं समझ पाओगे तो भी समझो भाई, समझने वाली चीज़ है तो समझोगे कि नहीं, वैसे भी समझाने वाला काम ही मेरा यहाँ पे है। यार ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है। यार इतना इनएफिशिएंट खेती तो नहीं होती है, लेकिन हम तो यही करेंगे, जो बकचोदी करना करो ना। लेकिन हाँ अगर जो कोई फ्यूचर में बोलेगा ना तो इसको हम लोग चेंज कर दिया जाएगा, ठीक। अगर जो कोई फ्यूचर में बोलेगा कि भैया ऐसे नहीं वैसे खेती करो तो हम लोग कर दें। चलो बीज बो देते हैं, बीज ले आया जाए क्या, थोड़ा सा इतना ये क्या है, वीट सीड्स ये भी हो जाना चाहिए, वीट सीड्स, गेहूँ की खेती। हम लोग खेती करना भी इसलिए शुरू किए क्योंकि हम लोगों को खाना का, कितना मवेशी मारते हैं यार, एक भेड़ को मतलब बड़ा होने में या फिर एक जानवर को बड़ा होने में तुमको इतना टाइम लगा, तो उसको मार के खाओगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन खेतीबाड़ी करने से हम लोगों को खाना का आसानी से जुगाड़ होने लग गया, इसलिए इंसानों ने खेतीबाड़ी शुरू की। हम लोग पहले गुफा मानव थे, पता है गुफा मानव के बारे में बहुत, अरे यार पता है हम अभी अपने आप को रोक रहे, तो समझ रहे हो, जैसे कि जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा भागने के लिए रेडी है लेकिन आप उसको रोक रहे हो, तो हम अपने आप को मतलब बहुत सारी चीज़ें बताने से रोक रहे हैं क्योंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम लोग बाकी सारी चीज़ें अगले एपिसोड में बात किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग अलविदा कहते हैं इस एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। मेरे जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है लेकिन टाइम ओवर हो गया है, सो या सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अलविदा, बाय।